आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः, हन हनुमते नमः। जब कार्यों को निर्विघ्न करना हो ना तो गणेश जी का जाप करना चाहिए। यही वाला जो मैंने किया है, एक माला अवश्य कीजिए, आपके जीवन में सभी कार्य निर्विघ्न हो जाएंगे। और जब बल बुद्धि का विकास करना हो, जब भक्ति लानी हो अपने अंदर, तब हनुमान जी के हन हनुमते नमः ये जाप करने चाहिए या हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात, जय हनुमान जय गणेश। मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ इस दिन की मंगलमयी बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। हर्ष हो रहा है मुझे आपके साथ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ बांटने का मन है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज 25 जून 2024 चंद्रमा मकर राशि में देर रात्रि तक, उसके बाद कुंभ राशि में। नक्षत्र है श्रवण दोपहर के 2:32 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र। अंगार की संकष्टि चतुर्थी है आज। क्या ही अच्छा दिन है कि गणेश जी की पूजा जोरदार कर लें। समझिए कि रात्रि 10:28 पर चंद्रोदय होने वाला है और उस समय आप संकष्टि का व्रत खोल के आप अर्ध देकर चंद्रमा को खाना खा सकते हैं। अंगार की संकष्टि चतुर्थी किस दिन होती है? जिस दिन संकट चौथ मंगलवार के दिन आता है। शुक्र का पश्चिम में उदित होना आप सबको खूब 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 बधाइयों वाला दिन आया, इस बात की मैं आपको देती हूँ शुभकामनाएँ। शुक्र उदित हो गए, थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कितने अच्छे असर आ रहे हैं 2 चरणों में शुक्र के उदित होने के। मेष से लेके मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र उदित, द्वितीय भाव का स्वामी जागृत। अब धन आएगा, संचित धन होगा, वाणी में ओज रहेगा, मधुरता रहेगी, परिवार में प्यार। वृषभ राशि, बहुत ही खुशी भरा दिन, आपकी पर्सनालिटी जागेगी, दुख खत्म होंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनेंगे। मिथुन राशि, बहुत ही अच्छा समय के मानसिक दुख खत्म, आप अपने सारे कार्य अब कर पाएंगे, बच्चों से रिलेटेड दुख खत्म, उनकी उन्नति, आपकी पढ़ाई विद्या में उन्नति और साथ साथ आपके मित्र गण अब पूर्ववत पहले से आपके साथ। कर्क राशि, आपके लिए माता पक्ष की तबीयत अच्छी, साथ में आपको धन लाभ की पूर्व सूचनाएं, माता से भी लाभ, केसेस विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म। सिंह राशि, बहुत उदास है आप, कई बातों को लेकर जो कार्य से रिलेटेड थी, आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम नहीं बन रहे थे, आप उदास हो रहे थे अपने ऐसे कार्यों को लेकर जिसमें आपके पिता शामिल थे और साथ साथ विरोधियों का सामना, विचारों के मतभेद का सामना करना पड़ रहा था, अब ये काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। कन्या राशि, आपके लिए देखिए शुक्र का उदित होना बहुत ज़रूरी था, भाग्य का कारक है शुक्र, आपके लिए नौम भाव का कारक है, तो समझ लीजिए आपके लिए अच्छे संदेश आएंगे, नसीब से काम मिलेगा और आप यात्राओं में शुभता और आनंद पा सकते हैं, पिता से पूर्ण सहयोग। तुला राशि, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डायबिटीज़ मोटापे से रिलेटेड परेशानियाँ थीं, विवाहित जीवन से त्रासदी की तरह परेशानियाँ आगे बढ़ रही थी, सब आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएंगी, बाकी आप शुक्र के उपाय ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। वृश्चिक राशि, विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से खटास मनमुटाव, इस कारण आप बेचैन थे, व्यावसायिक जीवन का पार्टनर साथ नहीं दे रहा था व्यवसाय में बिल्कुल भी, आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर भी बेचैन थे कि वर वधु का चयन ठीक से नहीं हो रहा, तो अब होगा। धनु राशि, आपके लिए क्या कहूँ कि बड़ी ही मंगल बेला, लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, अब विरोधी शांत हो जाएंगे, जो आपको मानसिक त्रास दे रहे थे, मेंटल टेंशन मिल रही थी, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बनेंगे, मामा पक्ष से सहयोग, नौकरी मिल सकती है। मकर राशि, आपके मानसिक बेचैनी दूर, बच्चों से सहयोग, मित्रता और आपके सभी
कार्य जो उनसे रिलेटेड हैं सब हो जाएंगे। साथ साथ आप पढ़ाई विद्या में भी आगे बढ़ सकते हैं। जो द्विस्वभाव हो गया था बेचैनी वाला काफी हद तक कम हो जाएगा। कुंभ राशि। घर में बेचैनी माता पक्ष से उलझन, घर की जो व्यवस्था है उसमें रेनोवेशन कराने के लिए अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अब वो अवसर भी प्राप्त होगा। माता की तबीयत भी पहले से ठीक होगी। मीन राशि। यात्राएं अब सुचारू रूप से कार्य देंगी और आनंद भी देंगी। याद रखिए, पहले सिर्फ कार्य हो रहे थे और घबराहट सी थी कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब बेचैनी भी खत्म, कार्य भी होंगे और आपके कुछ काम पर आक्रम उत्साह बढ़ जाने से भी अच्छी प्रकार से हो जाएंगे। शुक्र उदित हुए, अब शुक्र उदित न भी हो और आपके कुंडली में शुक्र अस्त हो सूर्य से और आपको शुक्र को बल देना है, कारक है आपके लिए शुक्र, तो क्या करना चाहिए? महालक्ष्मी के चरण पकड़ लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमा के जाप कीजिए। लक्ष्मी के मंदिर जाना भी शुक्रवार के दिन खासकर उचित रहेगा। आनंद सहित मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराने से खुद को भी अच्छा लगता है।